गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, भारत में विकास एवं रोजगार कार्यक्रम जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए, इस पर हम लोग विस्तृत और गहन अध्ययन करेंगे। छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आता है और इस टॉपिक पर कमांड रखना हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जरूरी है। चाहे यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हों, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हों, एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हों या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं जिससे सरकार यह जानना चाहती है कि आप कितने अलर्ट हैं, आप में कितना अवेयरनेस है, आप कितने सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के प्रति जागरूक हैं। यही एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य भी होता है छात्रगण, है ना। सबसे पहले लिखेंगे छात्रगण, नरेगा। नरेगा फुल फॉर्म लिखेंगे छात्रगण, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अधिनियम देखेंगे छात्रगण, नेक्स्ट देव कनेक्शन। 2 फरवरी 2006 ईस्वी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापाली नामक स्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया। नेक्स्ट, यह एक योजना नहीं बल्कि एक कानून है। नेक्स्ट, इस कानून के निर्माता जया द्रेंज हैं।
नेक्स्ट, इस योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम को देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी 90% तथा राज्य सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी 10% है, 10% है। नेक्स्ट, इस कानून के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवार के एक सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार गारंटी गारंटी सरकार को देना होगा होगा यदि सरकार सरकार रोजगार गारंटी गारंटी नहीं देती है तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। नेक्स्ट, इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन कार्य करवाना होगा। कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, इससे ज्यादा दूरी होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी सरकार द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट, काम चाहने वाले व्यक्ति को प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास एक आवेदन देना होगा तथा इस आवेदन के आलोक में उस व्यक्ति को प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जाएगा यह है छात्रगण
नरेगा और मनरेगा की कहानी, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए आपको इसे गौर करना होगा। क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। नरेगा का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब शुरू हुआ? 2 फरवरी 2006 को नरेगा शुरू हुआ था। कहां से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के बंडापल्ली नामक स्थान से। किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किया, यूपीए की गवर्नमेंट ने शुरू किया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने शुरू किया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार ने शुरू किया, यूपीए की सरकार ने शुरू किया, ध्यान रखिएगा। देश के सभी जेलों में लागू है। बेल्जियम के अर्थशास्त्री जया द्रेज इस कार्यक्रम के निर्माता हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी की जयंती के दिन इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 100 दिनों का रोजगार गारंटी कानून है ये। 100 दिनों का रोजगार सरकार को देना ही होगा इस कानून के तहत। यदि सरकार नहीं देती है तो फिर सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। छतगण, जो व्यक्ति को रोजगार मिलता है उसे अपने आवास से यानी घर से 5 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा रोजगार, ध्यान रखिएगा, है ना छतगण। 5 किलोमीटर के दायरे में उसे जो है रोजगार दिया जाएगा, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। छतगण, यदि दायरा 5 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ जाता है, यदि दायरा 5 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में, छतगण ध्यान दीजिएगा, यदि दायरा 5 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार उस व्यक्ति को 10% अतिरिक्त मजदूरी प्रदान करेगी। छतगण, जो व्यक्ति भी मनरेगा के तहत काम चाहता है उसे वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास एक आवेदन देना होगा और उस आवेदन के आलोक में उसे सारी वस्तुओं की जांच कर, सारे कागजातों की जांच कर प्रखंड विकास पदाधिकारी एक जॉब कार्ड उपलब्ध कराएंगे और उसी के तहत उसे रोजगार दिया जाएगा। छतगण, मनरेगा के तहत प्रत्येक दिन 7 घंटे का काम, सप्ताह में 6 दिन का काम, और इसके जो पैसे दिए जाएंगे छतगण वो नगद नहीं दिए जाते हैं, आपके खाते में, चाहे वो आपने डाकघर में खाता खुलवाया हो, बैंक में खाता खुलवाया हो, वहां पर आकर के जमा हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छतगण। तो ये है छतगण, नरेगा और मनरेगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीजों को याद रखेंगे, हर चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर चीजों पर पहले निगाहें आपकी होनी चाहिए छतगण, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लिखेगा छतगण, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना लिखे, 9 मई सन 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। पूछेगा, अटल पेंशन योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? नरेंद्र मोदी ने की थी। किस वर्ष की थी? 2015 में की थी छतगण, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बीमा योजना लिखिए, नौ मई 2015 को इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसके तहत बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में, मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये प्राप्त होंगे।
2 लाख रुपए प्राप्त होंगे, जिसमें वार्षिक प्रीमियम मात्र 12 रुपया होगा, 12 रुपया होगा। नेक्स्ट लिखेगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, देखिए 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना के तहत स्वाभाविक मृत्यु एवं दुर्घटना से मृत्यु, स्वाभाविक मृत्यु एवं दुर्घटना से मृत्यु के संबंध में लागू होगी। इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि बीमा धारक को दी जाएगी, जिसका वार्षिक अंशदान 330 रुपये होगा, 30 रुपये, 330 रुपये होगा। यह 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के संबंध में लागू होगी, यह 18 से 50 वर्ष आयु के संबंध में लागू होगी, नेक्स्ट, बच्चों को निशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बच्चों को निशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अधिकार अधिनियम 2009। देखिए 86वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21 क में इसे शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया है। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2001 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, यह विश्व का सबसे बड़ा शैक्षणिक कार्यक्रम है। इसका आदर्श वाक्य वाक्य सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें है, सब पढ़ें सब बढ़ें है।
आदर्श वाक्य सब पढ़ें है। छगन सर्व शिक्षा अभियान से जेपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, एसएससी रेलवे में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा शैक्षणिक कार्यक्रम कौन सा है, सर्व शिक्षा अभियान। कब शुरुआत किया गया था, 2001 में शुरू किया गया था। इसका आदर्श वाक्य क्या है, सब पढ़ें। क्या उद्देश्य है, शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ाना, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना, स्कूल चलो अभियान चलाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रगण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम। देखिए 15 अगस्त 1995 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल में ही पौष्टिक भोजन एवं अल्पाहार उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लिखे 12 अप्रैल 2005 को शुरू किए गए इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इस सेवा में लगी प्रशिक्षित आशा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन देखिए 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच से मुक्त कराना तथा स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक बनाना है। नेक्स्ट, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना देखिए इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2001 में हुई थी। यह योजना मलिन बस्तियों में रहने वाले के घरों के निर्माण तथा निर्मल भारत अभियान के तहत
सामुदायिक शौचालयों के निर्माण से संबंधित है। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार 50% 50% यानी 50% केंद्र सरकार 50% राज्य सरकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष ठीक है, 25 दिसंबर सन 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के सभी बच्चों को टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अपने जन्म दिवस 25 दिसंबर सन 2000 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवार को ₹35 किलोग्राम अनाज विशेष रियायती मूल्य पर सरकारी राशन दुकानों से उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके तहत गेहूं ₹2 प्रति किलोग्राम तथा चावल ₹3 प्रति किलोग्राम उपलब्ध कराया जाएगा नेक्स्ट, अन्नपूर्णा योजना। इस योजना की शुरुआत सन 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे वृद्धों के लिए सरकार द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराना है
नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण, कई बार पूछा जा चुका है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लिखिए। 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही महिलाओं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही महिलाओं महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत एक भरा हुआ गैस सिलेंडर रेगुलेटर एवं पाइप मुफ्त दिया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जलावन कोयले लकड़ी से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान एवं पर्यावरण नुकसान से बचाना है, इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान से की है, बलिया नामक स्थान से की है। तो छात्रगण, ये है भारत सरकार के विकास एवं रोजगार कार्यक्रम, जिसका आज पहला भाग हम लोगों ने जाना। इसमें अभी और भी कई कार्यक्रम बाकी हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना से लेकर के भारत निर्माण योजना, है ना, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, बहुत सारे कार्यक्रम अभी बाकी हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं छात्रगण, उन सभी को हम लोग कल की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।